कोविड-19 के थर्ड वेव से निपटने के लिए प्रदेश सरकार लगी हुई है। कुशीनगर में थर्ड वेव से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के पूर्व उपायों की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने टीकाकरण की समीक्षा की और धीमे टीकाकरण पर नाराजगी जताते हुए बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, जो कुछ कमियां हैं उसे सुधारा जा रहा है। तीसरी लहर है, उसके नहीं आने की संभावना है और वो और भी खतरनाक हो सकती है। विशेष रूप से उससे बच्चों को प्रभावित होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को और जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेते हुए अभी से ही 4 करोड़ तैयारी करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सभी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पहुंच चुका है और उस निर्देश के क्रम में तैयारियां समय पर सुनिश्चित हो जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।